हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो आज हम लोग जाने वाले हैं माँ सिंहवाइनी जी का मंदिर, जो कि गोड्डा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए आप लोग से सीधा मंदिर में मिलते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है और हम लोग निकल पड़ते हैं हमारी माता सिंहवाइनी जी का मंदिर। हम लोग, हमारे सारे दोस्त लोग यहाँ से निकल पड़े हैं और इस सफर में आप भी हमारे साथ बने रहें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि हम जहाँ से हम लोग निकले हैं, यहाँ से लगभग हमारा सिंहवाइनी मंदिर जो है 5 से 6 किलोमीटर है, शायद मैंने पहले आपको बता दिया था। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज अष्टमी का दिन भी है और आज हम लोग निकल पड़े हैं माँ सिंहवाइनी मंदिर की ओर। माना जाता है कि माता के मंदिर के जाने के बाद आपकी जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। तो हम भी निकल पड़े हैं माता के दर्शन के लिए। तो चलिए आप भी आइए और आप भी दर्शन कीजिए। तो सरकंडा पहुंचते ही हम लोगों को पाकुड़ वाला रोड पकड़ लेना है, आप लोगों को दुमका वाला रोड नहीं जाना है, क्योंकि इसी रोड में हमारा सिंहवाइनी मंदिर पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जिस मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें एक ही नदी 2 बार क्रॉस करना पड़ता है और वो नदी कजन नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी कजन नदी ही बनी रहती है। जो कजन नदी है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग का एक स्टॉपेज था यहाँ पे और हम लोग जमनी में रुके हुए हैं। हाँ। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सिंहवाइनी मंदिर, जो कि काफी अच्छी जगह है। दुर्गा पूजा का अष्टमी पूजा है। पुराना भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है, और आज अष्टमी पूजा है तो आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए आज आप लोगों को गोड्डा का सिंहवाइनी मंदिर दिखाने वाला है, जो कि बहुत ही मस्त जगह है। तो अभी हम लोग जमनी के पुल पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या मस्त नजारा है यहाँ का। और ये पीछे का नजारा है, बाकी हम लोग सारे दोस्त लोग पे सवार हो चुके हैं, हमारे विशाल रोहित। चलते हैं, चलिए। अभी काफी खतरनाक सा एक्सीडेंट हो गया, हमारा जो चश्मा था वो अभी फुल ऑन स्पीड में जो है अभी गिरने ही वाला था। चलो बाकी देखते हैं आगे, सब चीज ठीक हो जाए। रास्ता आ चुका है सिंहवाइनी मंदिर के पास और चलते हैं हम लोग पूजा करते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी हम लोग का चश्मा टूटते टूटते बच गया है। तो चलिए ये देखिए, तो ये है रास्ता, इसमें एक ही हाथ है यहाँ पे रखना, और ये रहा रास्ता। देखिए यहाँ का नजारा, चलिए चलते हैं अभी पैर धोते हैं और बाकी हमारे दोस्त लोग सबको ही पैर धो रहे हैं। सब कोई हम लोग चल रहे हैं पूजा करने के लिए और
और देखते हैं अभी फूल वगैरह लेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यही है वो मंदिर का खूबसूरत नज़ारा जहाँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है और ये माता सिंहवाइनी का मंदिर है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, आज अष्टमी का दिन भी है तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। मुझे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था और मैं आया नहीं था, तो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर के चारों तरफ का काफ़ी सुंदर सा व्यू है जो हमारे गोड्डा से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे है। आप यहाँ आ सकते हैं, सुकून भरे पल बिता सकते हैं। और आप देखिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट पे बताइए कि आपको ये जगह कैसा लग रहा है। तो थोड़ी ही देर मंदिर में घूमने के बाद मैंने सोचा कि भगवान के लिए कुछ चाहने का प्रसाद लिया जाए, तो मैं और मेरे दोस्त लोग सब कोई आ गए प्रसाद लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे सामग्री रखे हैं। तो मैंने नारियल सोचा मैं ले लेता हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए, तो मैंने नारियल ले लिया और भी जो फूल वगैरह प्रसाद वगैरह होता है मैं वो सारा चीज़ चढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने देखा कि सामने कुआं था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जल लेने के लिए भीड़ लगा के खड़े हुए थे, तो हम भी वहाँ पे गए। और यहाँ से पानी भरा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डीप है पानी। विशाल भी जल लेने के लिए आया हुआ है, हम लोग सारे कोई जल लेने के लिए आए हैं। अभी हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं, पूजा हो चुका है और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इधर भी काफ़ी अच्छा अच्छा जगह पे है। ये पूरा जो पीछे है वो सिंहवाइनी माँ का मंदिर है, अंदर में शिव जी का भी ये प्रतिमा है। इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है पूरा यहाँ का। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। और इधर भी शिव जी का मंदिर है, यहाँ भी माता जी का मंदिर है। तो ये काफ़ी अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट जैसा है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा नज़ारा यहाँ पे लगता है लोगों का। तो कुछ इस तरह का था हमारा पूजा, हो गया। कर दियो बोलो। तो